साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फैसला किया है कि वो चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का चुनाव भोपाल की लोकसभा सीट से और उन्हें टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। टिकट मिला नहीं था कि चारों तरफ से बौछार होनी शुरू हो गई आरोपों की और तरह तरह की बातें की गई कि ये तो एक आतंकवाद की आरोपी है, वो जमानत पर बाहर है और इस तरीके की तमाम बातें की गई कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भला चुनाव कैसे लड़ सकती है, क्या कहीं वो आतंकवादी तो नहीं है। तो आपको जानना चाहिए पहले तो कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप कौन कौन से लगे हुए हैं, क्या कुछ सिद्ध हुआ है, क्या सिद्ध नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रही है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, जिन्होंने ही भगवा आतंकवाद नाम का शब्द रचा था साध्वी प्रज्ञा सिंह के बेसिस पर। अगर आपको साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इलेक्शन लड़ने की एलिजिबिलिटी या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी योग्यता पर शक है तो आपको इसे तीन पैंदों में रख करके देखना पड़ेगा। पहली तरफ आप रखिए राहुल गांधी को, बीच में रखिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, तीसरे नंबर पर आप रखिए हार्दिक पटेल को। अगर आप राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी खुद भी जमानत पर बाहर है, उन पर नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है। दूसरे नंबर पर बात करें अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तो वो उन पर आतंकवाद के आरोप लगे हैं, सिद्ध कुछ भी नहीं है और वो भी जमानत पर बाहर है। तीसरे नंबर पर आते हैं हार्दिक पटेल, हार्दिक पटेल पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, बाद में वो बाहर हैं। हार्दिक पटेल पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं मेहसाणा दंगा मामले में, तो उसके बाद में वो बाहर आए इसलिए कोर्ट ने उन्हें दोषी मान लिया, जिसके चलते कोर्ट ने राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी है जबकि हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो इस आधार पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहीं ना कहीं लीगल मैटर में राहुल गांधी के समकक्ष बैठती है, क्योंकि दोनों पर ही आरोप ना तो सिद्ध हुए हैं और न ही दोनों दोषी हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी लड़ सकती है। ये लिस्ट इतनी छोटी नहीं है, शशि थरूर, कन्हैया कुमार, ये सारे कोर्ट के चक्कर लगातार लगा रहे हैं, कोई मर्डर केस में, कोई भ्रष्टाचार के केस में और कोई देशद्रोह के केस में, तो सब लोग एक तरफ और प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक तरफ, ऐसा हो पाना तो संभव नहीं है। अब बात करते हैं पूरे इतिहास की कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कौन कौन से आरोप लगे हैं, उसमें से क्या कुछ सिद्ध हुआ है या फिर कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कुल तीन आरोप लगे थे, जिसमें से पहला आरोप था मालेगांव बम ब्लास्ट का, दूसरा आरोप था सुनील जोशी हत्याकांड का और तीसरा आरोप था अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट का। दूसरा और तीसरा, जो सुनील जोशी हत्याकांड और अजमेर बम ब्लास्ट, दोनों ही केसेस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपों से बरी हो चुकी है, कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया है। जबकि मालेगांव बम ब्लास्ट में उन पर जांच चल रही है और वहां पर भी एनआईए उन्हें लगभग क्लीन चिट दे चुकी है। बाद में कुछ इधर उधर की बातें हुई और अभी फिर से केस चल रहा है, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत ऐसा पेश नहीं किया गया है जिस आधार पर उन्हें आतंकवाद का दोषी करार दिया जा सके। ऐसी स्थिति में लगातार 9 साल तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टॉर्चर किया गया था, उन्हें जेल में रखा गया और कहा जाता है कि उनके साथ में अमानवीय यातनाएं भी दी गई थी और इसका जिक्र वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रही हैं। इतना सब कुछ हो गया जब उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। अब इतना कुछ हो चुका है, 9 साल तक एक व्यक्ति अमानवीय यातनाएं झेल चुका है, उसके खिलाफ अभी तक एक भी सबूत पेश नहीं किया जा सका है जिसके आधार पर उसे जेल में दोषी करार देकर भेजा जा सके। दूसरी बात, उस व्यक्ति के साथ में अमानवीय यातनाएं दी गई है उस व्यक्ति को, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति को सीधा टेररिस्ट कह करके उसके चुनाव लड़ने की योग्यता पर सवाल उठा देना कहीं से भी समझ में नहीं आता है। खैर, अब बाकी आगे की बात तो चुनाव आयोग के हाथ में रहती है कि वो किसका बेड़ा पार लगाता है और किसको इसी तरफ रोक लेता है। आप देख रहे हैं thechopal.com में युवराज, और इसी तरीके के वीडियोज और पाते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द चौपाल को लाइक जरूर करें। और अगर आपके पास में भी इसी तरीके के वीडियोस जो आप द चौपाल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आप दिखाए जा रहे ईमेल अकाउंट पर अपने वीडियोस हमें जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।